कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बदजुबानी रुकने का नाम नहीं ले रही, लगातार पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। दरअसल केरल के मलप्पुरम में जनसभा को संबोधित करते हुए कश्मीर को लेकर बीजेपी पर मणिशंकर ने हमला बोला। गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी के नेताओं को विश्वासघाती, देशद्रोही और कायर तक बताया। कहा कि ये नेता खुद को जनता का प्रतिनिधि बताते हैं, अगर ऐसा होता तो वो कई सालों पहले चुने गए होते। कांग्रेस नेता अय्यर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी कहती है कि अन्य दलों को मिलाकर राज्यसभा में उसके पास जोड़ तोड़ के लिए थोड़ा बहुत बहुमत है, इसलिए हम उन सभी मुस्लिम विरोधी कानूनों को आगे बढ़ाएं जो हमारे मन में है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A से की गई है। अय्यर ने यह भी कहा कि ये देश के ऐसे देशद्रोही हैं जिन्हें हम पहली बार देख रहे हैं। रूपनगर शहर में अंग्रेजों के जमाने के 137 साल पुराने पुल को निर्माण विभाग पंजाब असुरक्षित घोषित कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके इस पुल पर यातायात बंद नहीं हो रहा। पेश है एक रिपोर्ट। पंजाब में कई सरकारें आई और गई। दरअसल रूपनगर शहर को बाकी शहरों से जोड़ता सरहंद नहर पर बना पुल इन दिनों खस्ता हालत में है। दरअसल ये पुल अंग्रेजों के जमाने का है। हालांकि तय मापदंडों के अनुसार 37 साल पहले ही इस पुल की मियाद खत्म हो चुकी है। वहीं निर्माण विभाग ने भी इस पुल को 2007 में रिटायर करते हुए असुरक्षित होने का ऐलान किया था। दरअसल इस पुल को शहर का दिल कहा जाता है क्योंकि शहर की मुख्य एंट्री इसी पुल से होती है। शासन तो और सरकार तो पुरजोर मांग करते हैं कि सरहंद नहर ते बनिया होया यह 1800 सन दे वाला पुल यह बिल्कुल अनसेफ है और इस पुल नूं जल्दी तो जल्दी बंद किया जाए ताकि लोगों की जान ते माल की रक्षा की जा सके। दिन च 20-25 बारी हो जाता जी साडा इधर नूं आउण जाणा जी। इहदा नुकसान जिम्मेवार कौन होऊंगा जी? सरकारां ही जिम्मेवार है जी। वैसे तो बंद होना चाहिए जी, इहदी मरम्मत की जानी चाहिए है जिन्नी जल्दी हो सकता जी। वहीं 2007 जब इसे असुरक्षित घोषित करने के बाद इस पुल को बंद करने की बात चली तो शहर वासियों ने इसका विरोध भी किया था। यह जो पुल है पंजाब इरीगेशन डिपार्टमेंट वालों बनाया गया 1882 जो कि तकरीबन अज की घड़ी 137 साल पुराना हो चुका है। तो असी 2006 एक टीम बना के चैकिंग कराई सी ते इनू अनसेफ डिकलेयर कर दिता गया 2006। तो असी हुण रीसेंटली भी डीसी साहब नूं लिखिया है कि हाँ भी ये पुलिस विभाग में लिखा जाए कि हाँ भी ये भारी वाहनों इतने आन जान तो रोकया जाए। पर इस अलावा असी 2010 एक नाल ही ये एक स्टील का ब्रिज भी बनाया सी ते असी लोगों को अपील भी करते हैं कि हाँ भी वो स्टील ब्रिज बरतन इस पुल के उपरों चार व्हीलर फोर व्हीलर वाहन जोड़े है वो नहीं लगने चाहिए। जो जिम्मे पब्लिक इंट्रस्ट जी इनफॉर्मेशन जी शेयर की हैगी मैं कन्फर्म भी कर लिया कि हाँ बिल्कुल थोड़ी गल ठीक है, ये अनसेफ है और असी विद इन मैक्सीम कल सवेरे तो असं जो ट्रैफिक रेगुलेट करा उनकी जो व्हीकल जहाँ की वेट परमिसेबल वाले होंगे वही अलाउ होंगे। दरअसल अब 137 साल पुराने हो चुके इस पुल की हालत वेंटिलेटर पर लगे बुजुर्ग की तरह है जो किसी भी समय रुखसत हो सकता है। वहीं रोजाना हजारों की संख्या में लोग इस पुल का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि यहां पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। रूपनगर से जनता टीवी के लिए सज्जन सैनी की विशेष रिपोर्ट।